हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11। और इसमें पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर, या करेंट कैरिंग वायर कहिए। दो हम लोग पैरेलल वायर लेंगे, कलम लीजिएगा भाई। दो क्या लेंगे? पैरेलल वायर लेंगे, कंडक्टर लेंगे, और इस दोनों में से क्या कराएंगे? करंट पास कराएंगे, और दोनों के कारण, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और दोनों के कारण, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो कितना इस पर बल लगाएगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो कितना इस पर बल लगाएगा, यही निकालने वाले हैं। फिर से, ये दोनों कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट पास होगा, जैसे करंट पास होगा ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इस पर बल लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर बल लगाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर बल लगाएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा? समझ गया। चलिए, तो वही हमको निकालना है भाई साहब। तो चलिए, आज आप लोगों को ये चेंज मिलेगा कलर, ठीक है? क्या मिलेगा? चेंज कलर चेंज मिलेगा। पहले ब्लैक था और थोड़ा ब्लैक से थोड़ा चेंज हुआ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सब, हाँ, कल वाला लेक्चर देखा होना एकदम जरूरी है, कल वाला लेक्चर देखा होना एकदम जरूरी है। चलिए, तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। क्या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, दो समांतर चालक लेंगे, समांतर धारावाही चालक लेंगे जिसमें से करेंट पास कर रहा हो, ठीक है? क्या कर रहा हो? करेंट पास कर रहा हो, मान लीजिए एक ही अगर लेंगे इसमें से करंट पास कराएंगे तो चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके बगल में और हम वायर ले आएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें बल लगाएगा, लगाएगा लगाएगा ना, और फिर ये रखेंगे तो ये भी तो अपना चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसके कारण भी इस पर क्या होगा? चुंबकीय बल लगेगा। तो वही बात है, आइए तो हम लोग कुछ, भाई क्या कर दिया मैंने, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दो करेंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, एक ये हो गया, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इनका दूरी दूरी बन लेते हैं कि बढ़िया बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, अब चलेगा, अब चलेगा। अब तनिक सुन लीजिए, ध्यान से देखिए, दो वायर है, दोनों में करेंट दौड़ा रहते हैं, आप पैरेलल बोले हैं तो करेंट भीतर का पैरेलल दौड़ाते हैं, करेंट भी क्या करते हैं? तनका पैरेलल, ये हो गया आई वन, क्या हो गया? इधर से, इधर से ये दिख रहा है क्या? उधर से ये दिख रहा है क्या? उधर से वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये लो ना ब्लैक वाला है, इधर से आई वन, इसमें जो है आई टू पास कर रहा है। अब तनिक एगो दिमाग में लगाइए और बताइए आपने कि ये धारा वन है, ये धारा टू है, धारा वन भी क्या करेगा? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। और ये बात याद है कि एगो वायर होता था, करंट आई पास करता था, इसके कारण आर दूरी पर यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था मालूम है? कितना होता था? कितना होता था? क्यूबीबी साइन थीटा होता, फोर्स होता था। मैग्नेटिक फील्ड कितना? केक्यू भाई यार, पढ़ती है तुम लोग, कथी करने यहाँ आती है? टीवी देखने, घरों से देखना है, मोबाइल में या मत आओ, मजाक चला रहे? न्यू नॉट आई बटा में टू पाई आर, न्यू नॉट आई बटा में 2πr। तो हम ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान ले? r, क्या मान ले? r मान लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक और चीज बताइए मेरे भाई कि ये जो धारा i है, चालक 1 है, ये धारा, ये तार 1 है, तार 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा निकाले, और किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो पहले धारा सुने, ये तार वन जो है, तार वन के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, तार टू के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? कहां कहां है?
तो इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, यहां भी, सब जगह होगा, होगा कि ना होगा। तो मान लेते हैं इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पे है, कहां पे, इतना इसको बल लगाएगा इस जगह पे, इसके बगल में बिठाते हैं, और किस डायरेक्शन में, इधर कि इधर कि अंदर कि बाहर, कैसे निकालते हैं ये तक की तो आप लोग पढ़े होंगे। दाहिना हाथ अंगूठा किधर करने का, करंट की तरफ, और ये उंगली जो है किधर खोलने का, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को देखना है इस जगह, तो क्या धारा ये ऊपर की ओर, हाथ किधर खोलना है, किस तरफ हाथ खोलना है, इधर पॉइंट उस तरफ खोलना है, इस तरफ। अब ये जो जो हथेली है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हथेली बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको करंट की धारा में खोलिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इसको खोल दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे होगा तो नीचे ना हो जाएगा, ऐसे ऐसे अंगूठा का अंगूठा किधर कर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर ना होगा, और जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है उस पॉइंट पे जो खोलना है इसको, करंट ऊपर ये इधर, ये हथेली बताएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो हथेली किधर है, अंदर की ओर, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर, अंदर की ओर क्या लेते हैं क्रॉस, अंदर की ओर क्या लेते हैं क्रॉस, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा, और कितना, तो धारा वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मान लेते हैं बी वन, क्या मान ले बी वन। अब इसके कारण आइए, तार दू के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना, तार दू के कारण तार वन के पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कुछ नहीं, ये अंगूठा को करंट दिशा में खोल दीजिए, खोल दिए, और हाथ इधर खोलिए, जिस पॉइंट पर निकालना है उस तरफ, इधर निकालना भाई बाहर की ओर, हथेली किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन सा डॉट, बाहर की ओर क्या होगा डॉट, यहां हो गया बी टू, मतलब धारा वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां वो बी वन है, धारा टू के कारण, तार दू के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बी टू है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। अब कितना होगा वो मान निकाल लेते हैं, उसके बाद तो मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, बल निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे तार वन के कारण क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले, चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना है, तार वन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी वन, तो बी वन बराबर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, न्यू नॉट आई, अब इनके इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एफ आई एल डी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, वायर वन, वायर वायर लिखे या कंडक्टर लिखो मेरे भाई, कंडक्टर भी लिख सकते हो, कहना होगा, तो यहां आपका जो हो गया ये हो, आपका हो गया बी वन, बी वन बराबर म्यू नॉट आई क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा टू पाई आर, म्यू नॉट आई, आई कितना हो जाएगा आई वन, आई कितना हो जाएगा आई वन बटा में टू पाई आर, अरे डिस्टेंस आर दूरी पर ना है भैया, यहां से आर दूरी पर, अरे बगल में नहीं इसी जगह ना है, आर दूरी पर, यहां से इस धारा से आर दूरी पर, आर दूरी पर इस जगह निकालना है, इस जगह इतना है मैंने लिखा इस जगह पे, तो अपना ई इस पर बल लगाएगा, बात समझे, दूसरा फिर तार दू के कारण चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू, वायर टू लिखिए या वायर टू या कंडक्टर टू, या कंडक्टर टू चालक दू के कारण, यहां हो जाएगा बी टू, बी टू बराबर क्या होगा म्यू नॉट दू के कारण म्यू नॉट, म्यू नॉट म्यू टू, म्यू नॉट म्यू नॉट आई टू बटा में टू पाई आर, और इससे भी तो आर ए दूरी पर नहीं है पॉइंट, अरे हम समझाने के लिए हौच पौच नहीं होने के लिए इसके तरह का बगल में दिए, इसके तरह का बगल में दिए,
देखिए तार वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ई नहीं है, कौन है ई, ई ओकरा पर बल लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तार पर बल लगाएगा, ठीक है। और तार तार दू के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां है, यहां है, और इस पर ई बल लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है तार दू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड टू जो है वो तार वन पर बल लगाएगा, बात समझ में आया, ये तो निकल गया। अब हमको क्या निकल रहा है कि भाई साहब ये बी टू जो है वो तार वन पर कितना बल लगा रहा है, बी टू तार वन पर कितना बल लगा रहा है, तो लिखेंगे तार, क्या लिखेंगे, तार वन पर बल, तार वन पर बल किसके कारण, बी टू के कारण, तार वन पर बी टू के कारण बल। आइए तार तार वन पर लिखेंगे, पर तार टू पर लिखेंगे, तार वन पर ये तार वन है इस पर बी टू के कारण बल, बी टू लगाया ना बल भाई, अरे कल ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, आ यहाँ पर अगर कंडक्टर रख देते हैं कुछ रख देते हैं चालक की, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बल आएगा है, और बल का फॉर्मूला क्या पढ़ा थे, बल का फॉर्मूला क्या पढ़ा थे, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी पढ़ा था ना, ये कल ही ना पढ़ा है भाई, ये ना है आई एल बी साइन थीटा, अलग अलग चलते हमें बहुत जरूरी है। अब सुनिए तो लिखा जाए यहाँ पे, अच्छा दूसरा कलम चलेगा तो मैं देखिएगा, तो ये कलम चलता है कि चलता है यहाँ पे, ये वाला तार बुझा रहा है, हाँ ना बुझा रहा है, ब्लैक के लिए चलाना पड़ेगा ना, तार वन पर किसे कारण, तार वन पर बी टू के कारण बल, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे फोर्स, फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू बी टू, बी टू के कारण तार वन पर बल। अब सुनिए इस पर बल लग रहा है किसके कारण, बी टू के कारण, तो इसको हम लिखेंगे इस पर जो बल लगेगा उस बल, अच्छा हाँ अब बल किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन निकाल देते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बल का, पहले हम क्या करते हैं एओ क्या करते हैं करंट की तरफ, एओ पे लाइए, एओ किधर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एओ करंट की तरफ, एओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, करंट की तरफ भी चार उंगली करते हैं, सुनिए करंट की तरफ भी चार उंगली रखते हैं और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ उंगली घुमाते हैं, अंगूठा बताता है बल। चलिए यहां देखिए इस जगह पे, इसी जगह पे ना ये बी टू के कारण बल है ना, बी टू के कारण करंट ऊपर की ओर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाहर, करंट ऊपर, सुनिएगा करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट की तरफ ऐसे खोल दीजिए, अब घुमाना किधर है इसको, मैग्नेटिक फील्ड किधर, घुमा दिए बाहर है ना, है घुमा दिए, अंगूठा किधर है इधर, मतलब यहाँ पर जो इस तार पर जो बल लगाएगा ये इनमें धक्के लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स लग रहा है तार एक पर दू के कारण, नहीं दू मैग्नेटिक फील्ड दू के कारण, मैग्नेटिक फील्ड दू के कारण, मैग्नेटिक फील्ड दू के कारण, तार एक पर बल लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड दू के कारण। चलिए यहां देख ले, यहां भी करेंट ऊपर है, करेंट ऊपर है और यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर है के अंदर, क्रॉस है अंदर, क्रॉस है अंदर, तो इधर हम क्या करेंगे, चार उंगली से खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे 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 खोलेंगे, अब मैग्नेटिक की तरफ हाथ घुमाएंगे, अंगूठा इधर आ रहा है, ऐसे खोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेंगे, हाथ ही चारों घुमाएंगे, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तरथी वाला, तरथी वाला ये तार की तरफ क्या करते हैं, करंट की तरफ अंगूठा और बी की तरफ खोलते हैं भाई चार उंगली, तरथी बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, फोर्स का डायरेक्शन एगो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, एगो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, करंट की तरफ चार उंगली रखेंगे, क्या रखेंगे चार उंगली और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घुमाएंगे, घुमाएंगे अंगूठा बताएगा, तो यहाँ तार है करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे होगा ऐसे अंगूठा जा रहा, मतलब यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड वन जो है, मैग्नेटिक फील्ड वन ये जो इस तार दू पर जो बल लगाएगा वो किधर, इधर की तरफ लगाएगा,
तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स लग रहा है तार दो पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र एक के कारण, चुंबकीय क्षेत्र एक के कारण। तो भाई साहब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाले थे, तो फोर्स ऑन वन वन ड्यू टू ई टू। तो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला आई एल वी साइन थीटा। आई कितना है, वन पर निकाले हैं आई, तो आई वन है, आई वन एल, एल तो लंबाई एल ले लेंगे, दोनों का लंबाई एल होगा। हाँ इसमें हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। चलिए अब बी, बी क्या है, बी टू, बी क्या है, बी टू साइन थीटा। थीटा कितना, बी और आई के बीच का कितना कोण होगा, देखिए आई ऊपर जा रहा है बी बाहर है, आई ऊपर जा रहा है बी बाहर, कितना है 90 डिग्री। अरे एल और बी में भी निकाल सकते हैं भाई, एल और बी में, एल किधर है, एल तो ऊपर कैसे है, अब बी ऐसे है, नब्बे डिग्री कितना होगा, कितना होगा 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 मान आई वन एल बी टू, आई वन एल बी टू, कोई दिक्कत, आई वन एल बी टू। अब बी टू का मान कितना होगा सेहो देख लेंगे, ये बी टू का मान कितना होगा वो देख लेते हैं, आइए तो कह रहा ऊपर क्यों करते हैं सर, बी टू का मान निकाले हैं भाई, बी टू का मान निकाले हैं ना, निकाले हैं ना, निकाले हैं, ये कथी तक रहा टकर टकर है, आई वन एल बी टू का मान क्या है, म्यू नॉट आई टू बटा में टू पाई आर एन, हो गया। अब ये तार वन पर बी टू का बल है, और तार दो पर बी वन का बल, तार दो पर बी टू के कारण, बी वन के कारण सर, जा बी वन होगा, बी वन के कारण बल, ठीक है, लिखेंगे फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू बी वन, कहा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, निकाला जाए कितना होगा, फॉर्मूला करते हैं आई एल बी साइन थीटा, आई निकालना किस पे, आई टू एल के मान एल रहेगा, बी बी के मान आई टू पर बी वन लगा रहा है, बल आई टू पर कौन लगा रहा है, साइन कितना डिग्री 90, कैसे इसमें वही बात है, आई ऊपर की ओर और बी अंदर की ओर, एंगल कितना है 90, या एल भी दोबारा ना मानेंगे भाई। अब बी वो हाथ पर सुनिए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बराबर आई टू एल बी वन, इसका मान एक होता है, बी वन का मान रख दीजिए, बी वन का मान रख दीजिए भाई, आई टू एल बी वन का मान क्या है, म्यू नॉट आई वन बटा में टू पाई आर। अब तनी सुनिए, तनी ध्यान दीजिए, दूसरा पेन चलेगा कि दूसरा पेन चलाते हैं, ये वाला ये चलेगा, बुझा रहा है, मैंने बुझा रहा है, दिख रहा है, अब सुनिए ये हो गया, ये इतना रहने दीजिए, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कहां पर है वो बिंदु, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना आया है, कितना आया मेरे भाई, आई वन आर को आई वन आई टू एल म्यू नॉट बटा टू पाया, यार आगे ऐसे लिखे ना भाई, ऐसे लिखे ना, कुछ म्यू नॉट एल आई वन I2 बटा में 2πr, ये हो गया ये वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, लंबाई को यहां उठा के लेंगे, लंबाई को उठा के
यहाँ ले आइए नीचे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस ठीक है। एगो ई हो गया, दूसर का क्या है? दूसर का भी तो यही क्या है? फोर्स ऑन ड्यू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब बटा में लेंथ करेंगे, बटा में बराबर क्या बचेगा? आई वन आई टू, आई वन आई टू, म्यू नॉट आई वन आई टू बटा में टू पाई, दोनों सेम निकलेगा। दोनों जगह जितना इसका पानी का मतलब जितना ये इसका अश्नि, तार वन का मैग्नेटिक फील्ड जो बी वन है, जितना तार दो पर बल लगाएगा उतना ही तार दो का मैग्नेटिक फील्ड बी टू तार वन पर बल लगाएगा। नहीं समझे? फिर सुनिए, तार वन का मैग्नेटिक फील्ड बी वन जितना तार दो पर लगाएगा बल उतना ही बल तार दो का मैग्नेटिक फील्ड बी टू तार वन पर लगाएगा उतना ही। लेकिन ये क्या होगा, तार को क्या करेगा? सिकुड़ा देगा, क्योंकि ये घिंच रहा है, ये घिंच रहा है, दोनों एक दूसरे को घिंच रहा है, मतलब तार को ऐसा ऐसा रहेगा ना, तो आगे ऐसा हो जाएगा, तनका चिपक जाएगा, तनका पास समझना है। अब एक को हम देते हैं, अब अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। हम एक को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क क्या दे रहे हैं, होमवर्क क्या दे रहे हैं भाई साहब सुनिए, एगो वायर वन है, वायर टू है, वायर वन है, वायर टू है, सेम डायरेक्शन में तो हो जाएगा। इसमें करंट ऊपर की ओर है आई वन, इसमें करंट नीचे की ओर है आई टू। अब बताइए इसमें बल किधर लगेगा, वो निकाल के आप लोगों को लाना है होमवर्क में। इसमें बल किधर, अंदर की ओर लगेगा कि बाहर की ओर लगेगा, वो आप लोगों को बताना है। बात समझे क्या? एक दूसरे के अपोजिट में है क्या? अब किधर बल लगेगा वो आप लोगों को बताना है। चलिए भाई, तो अब हाँ सब लोगों को बहुत बहुत बड़का वाला धन्यवाद, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा ये वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा भर भर कर शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।